हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ मेघना और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर मेघना। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है 1 और आज है वेनसडे और ईद भी है आज। सो हैप्पी ईद। और रिहान का ईद की छुट्टी है आज। सो हाय बोलो सबको। हाय। और विहान अभी नहीं नहाए हैं, इनको मैं अभी थोड़ी देर बाद नहलाऊंगी। एक्चुअली में मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा है तो थोड़ा रुक कर नहलाऊंगी मैं इसको, 2 बजे तक नहलाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं लंच में क्या बनाने जा रही हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। और आज मैं अपने न्यू ट्राइपॉड से शूट करूंगी वीडियो। कैसा लगा आपको बताइएगा। और ट्राइपॉड मैंने कौन सा लिया है, क्या है, वो आपको मेरे वीडियो में पता चलेगा। और यही सब है और मैं अभी जा रही हूँ लंच की प्रिपरेशन करने। और तो आप भी चलो मेरे साथ। और फ्रेंड्स, विहान आजकल इतनी ज़्यादा शैतानी करने लग गया है। वो किंडर जॉय में जो टॉयज़ आते हैं ना, वो टॉयज़ लेकर सारे, मतलब इसके पास काफ़ी सारे कलेक्ट हो गए हैं। सो उसको लेकर वो मेरे जो ट्राइपॉड का बॉक्स है उसमें बार बार भर रहा है, बार बार निकाल रहा है। ये शैतानियाँ उसकी चल रही हैं। इसमें भी मैंने मस्टर्ड ऑयल दिया हुआ है इस वाले पैन में। ये मस्टर्ड ऑयल है, मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ। और इसमें भी मैं मस्टर्ड ऑयल देने जा रही हूँ तड़का लगाने के लिए। एक्चुअल में मैं लंच बनाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके कर रही हूँ। तो जब तक ये पैन होता है गर्म तब तक मैं इसमें कोफ्ते डाल देती हूँ इस वाले पैन में। Thank you.
सो पैन हमारा गरम हो गया है और मैंने गैस को स्लो कर दिया है। अब मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ जीरा, हींग, और फ्रेंड्स जो मेरा दही था वो मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, मैंने रात ही बाहर निकाल के रख दिया था जिससे दही भी थोड़ा खट्टा हो गया और मेरे को मतलब फटने का भी डर कम रहेगा। तो मैंने हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और अभी मैं डालने जा रही हूँ हल्दी, लाल मिर्ची और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, अच्छा लगता है, और धनिया पाउडर हल्का करके डालना है। मसाले को भून लूंगी मैं। सो फ्रेंड्स पहले मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, उसके बाद मैं दही वाला बैटर डालूंगी और हाथों हाथ विक्स करती रहूंगी। ये प्रोसेस तो वही रहता है जैसे हम कढ़ी बनाते हैं, मैं कुछ इसी तरह से कोफ्ते बनाती हूँ। मैं दही की टमाटर की ग्रेवी के साथ कोफ्ते पसंद नहीं आते हैं तो इस वजह से मैं दही की ग्रेवी के साथ ही बनाती हूँ। और मैं पानी डाल दूँगी इसमें साथ ही, और इसमें जब बॉईल आ जाएगा दही में तब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। और इधर मेरे ये कोफ्ते भी हो चुके हैं तो मैं इनको निकालूंगी। एक बार वो पलट के 2 मिनट कर लूंगी उसके बाद निकालूंगी। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, इसमें मैं चम्मच डाल देती हूँ। पानी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा करके लगेगा क्योंकि फिर कोफ्ते भी पानी को सोक करेंगे, तो इस वजह से पानी में थोड़ा और डाल देती हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने बना दिए हैं
आज मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते और उसके साथ चपाती बनाई है सिंपल, क्योंकि लौकी के कोफ्ते भी थोड़ा हैवी हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं। और आज अभी मैंने ना वो कोफ्ते फ्राई किए थे, तो मैंने कुछ अपने लिए बचा के रखे हैं ये फोर, तो विहान लो खा। एक सेकेंड मम्मी, ये ला पता होती है ये देसी तुम्हारी टाइपोट है? हाँ ये टाइपोट है। कीजो या कैसा बना है बताओ? अच्छा है। फ्रेंड जब भी मैं लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ, नहीं 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 नहीं, तो फ्रेंड जब भी मैं लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ कुछ मैं इस तरह से ज़रूर बचाती हूँ। और ये दो मैं रख दूँगी इनके लिए, अगर आएंगे खा, अगर इनका मन होगा तो खा लेंगे। और फ्रेंड्स मैंने ना एक बाउल में थोड़ी सी सब्जी ठंडी करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गर्म खाना पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा अभी के मैंने ये सब्जी दोनों टाइम के लिए बनाई है। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं दो टाइम के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बनते नहीं है। और फिर मैं थोड़ी सी लौकी का क्या बनाऊँ, तो मैं एक लौकी का बना लेती हूँ तो मेरे दोनों टाइम के लिए हो जाता है। सो वही मैंने किया, दोनों टाइम के लिए अभी सब्जी हो जाएगी मुझे। और फ्रेंड्स एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे आप दही का जो वो तरी उसकी बनाते हैं ग्रेवी, तो उसमें क्या कहते हैं, अच्छे से उसको बॉईल कीजिएगा। मैंने अभी जब मैंने साथ में रोटियां भी बना ली, इतनी देर तक मेरी सब्जी बॉईल होती रही थी, तो अभी मैंने जस्ट बंद किया, ऊपर से धनिया डाला और बस बंद कर दिए। इसमें गरम मसाला वगैरह बिल्कुल भी मत डालिए, बहुत अच्छी लगती है सिंपल सब्जी। तो आप भी ज़रूर बना के देखिएगा, और कैसी लगती है आपको वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे घर में तीनों की फेवरेट है और इसी तरह से बनाना फेवरेट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं उसमें कैसे कर रहे हटो गंदी बात। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सावन में प्याज वगैरह नहीं खाती हूँ, प्याज नहीं खाती हूँ, तो मैंने इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला। लोग बाग आलू भी डालते हैं, पर मैंने आलू नहीं डाला, गंदी बात। तो मैंने उसमें आलू भी ऐसे नहीं डाला, सिर्फ लौकी के कोफ्ते बनाए हैं। आप भी इस तरह से बना के देखिएगा, कभी कभी बिना प्याज लहसुन का खाना भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लहसुन यूज़ करते हैं, जैसे मैं सब्जियों में लहसुन नहीं डालती हूँ, अगर आप मेरी सब्जी में लहसुन का ट्राई करते हैं तो आप हींग की जगह लहसुन डाल सकते हैं। और ज़्यादा स्पाइसी मेरे घर में नहीं खाया जाता, इसीलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाला। और अगर आप हरी मिर्च आपको पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च अगर धनिया के साथ डालेंगे तो एक बाइट आता है, हम लोगों को तो बहुत पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, सब्जी को एकदम बॉईल कर लेती हूँ और अपने जो होता है बाउल में लेके बैठती हूँ, उसी में मैं दो हरी मिर्च काट लेती हूँ, एक हरी मिर्च साइज के हिसाब से और तीखी के हिसाब से। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने नहीं डाला। सो अभी बस इनका वेट कर रहे हैं, ये आ जाए तब खाएंगे हम लोग खाना। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स पतिदेव जी आ गए हैं और इनको खाना भी सर्व कर दिया है, तो खा के ये बताएंगे। फोन आ गया 5 मिनट, सो खाकर बताएंगे कैसा बना है। और इतनी जोर से एकदम बारिश आई है कि पूछो नहीं। मम्मी आप कहाँ थे? हेलो तो बोल दो। हेलो कैसा बना है? सच्ची सब नमक ठीक है? चलो पास हो गया। अभी उधर भी मैं बिहान का भी लेकर आई हूँ, जो थोड़ा बहुत खाएगा, क्योंकि वो अभी पकौड़े खा चुका था वो, तो देखती हूँ कुछ खाता है तो करते हैं अपना लंच। इस टाइम फ्रेंड्स मैं खड़ी हूँ अपनी बालकनी में, और अभी हो गया है शाम का समय और बज रहा है
बज रहा होगा, अभी 4 बज रहा होगा शायद। तो बालकनी में खड़ी हुई थी, उधर बच्चे खेल रहे हैं वो देख रही थी, और विहान अंदर सो गया है और इधर पड़े हुए हैं अभी कपड़े, ये भी सूख गए हैं, इनको मैं समेटूंगी। और यही सब है। तो फ्रेंड्स, कोफ्ते आज बहुत यमी बने थे, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसे कोफ्ते बने हैं, मैं ये कह सकती हूँ। मैं शायद वीडियो बना रही थी इसलिए इतने अच्छे बन गए, क्यों बन गए आई डोंट नो, कि बहुत यमी बने थे। और मैं, हाँ फ्रेंड्स, और मैं जो सब्जियाँ बनाती हूँ वो हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। मस्टर्ड ऑयल में ही, आपको भी बोलूँगी कि आपको मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना चाहिए सब्जियों में डालने के लिए। फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, और रिफाइंड की सब्जियाँ अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप ये बात कहेंगे कि उसमें मस्टर्ड ऑयल में आपको स्मेल लगती है, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल डालते हैं सब्जी के लिए, तो उसको एक अच्छा, मतलब गरम कर लीजिए, बहुत तेज़ जो होता है जैसे धुआं निकल जाए ऐसा गरम कर लीजिए। फिर उसके बाद उसको गैस को बंद कर दीजिए, जब नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए फिर उसको हीट करिए, और जैसे आप सब्जी छौंकते हैं वैसे ही आप छौंकिए, तो आपको वाकई में बहुत टेस्टी लगेगी। और जो मस्टर्ड ऑयल का कच्चा कच्चापन लगता है ना सब्जी में, वो भी नहीं लगेगा आपको। तो ये टिप आप यूज़ करिएगा, फिर आप मेरे को बताइएगा कि कैसा लगता है आपको। और अभी विहान सो रहा है, जब वो उठेगा तो मैं आपको, जब वो उठेगा तब मैं उसको दूध वगैरह दूंगी और थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूंगी। हाँ फ्रेंड्स, आजकल वो पढ़ता नहीं है, और यहाँ पर रह रह कर बारिश आ रहा है, और अभी भी बारिश शुरू हो गया। आपको आई थिंक आवाज़ भी आ रहा होगा, बहुत तेज़ एकदम से बारिश आया है। तो मैं अंदर जाती हूँ, यहाँ पर तो नॉइस होते हैं। मुझे देखिए कितनी तेज़ बारिश आई है अभी। तो देखा आपने, एकदम से इतनी तेज़ बारिश आ गई। मैं आपसे बस बात कर ही रही थी और बीच में ही बारिश स्टार्ट हो गई। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बोला आप इस तरह से यूज़ करिएगा, और जैसे मैंने कोफ्ते बनाए थे वैसे ही आप भी बना के देखिएगा, और आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये देखिए मेरे कितने सारे बेबी हेयर्स हो गए हैं। सोच रही हूँ मैं आज अपने बाल स्ट्रेट कर लूँ, और मैं नेल पेंट चेंज करने का भी सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर कुछ नेल पेंट वगैरह चेंज करूँगी तो देखते हैं। यही था मेरा वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और सब्जी आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।